पहले तो आप सभी दर्शकों को निधि झा का प्रणाम है, नमस्कार है। आज से मेरी नई फिल्म कालिक का मुहूर्त हुआ है, जिसके प्रोड्यूसर है राकेश जी, डायरेक्टर है रंजीत जी। एक बहुत ही कमाल की फिल्म बन रही है, बहुत ही कमाल की स्टोरी है। आपको टाइटल से ही समझ में आ गया होगा कि कालिक इतना पावरफुल टाइटल है, तो स्टोरी कितनी पावरफुल होगी। ये एक सोशल मीडिया सोशल मैसेज है, जो हमारे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत सोच समझ कर बना रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि हमारी जो लड़कियां हैं, देश की लड़कियां, बहुत लोग ऐसे हैं जो रेप पीड़ित हैं, जिनका रेप हुआ है, बट उन्हें जज या कहीं से वो नहीं मिल पाया है, न्याय नहीं मिल पाया है। तो उनका दर्द और उसके आगे भी समाज, अगर न्याय मिल भी गया है तो समाज उसे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, या कैसा रिएक्शन होता है समाज का, इस एक छोटे, इस छोटा नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म से लोगों को जागरण करने का, कि जो लोग रेप करते हैं, आपके घर में भी माँ बहन होती हैं, आपके घर में भी परिवार होता है, उस लड़की का दर्द कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वो लड़की ही समझ सकती है और उसका परिवार समझ सकता है। तो हम इस फिल्म के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि एक सोशल मैसेज दे, ताकि जो लोग रेप पीड़ित भी हैं वो अपने लिए न्याय ले, अपने लिए लड़े और झुक के काम ना करें। हमने कुछ गलत नहीं किया है, जो रेपिस्ट है उन्हें सज़ा दिलवाए। तो इसी मुद्दे पे हम ये फिल्म बना रहे हैं, और आशा करते हैं कि ये फिल्म जितने दिल से, जितने लगन से, जितने प्यार से हम सब, ये टीम वर्क होता है हम कर रहे हैं, उतने ही प्यार से और उतने ही ईमानदारी से आप उसको एक्सेप्ट करिए, ताकि हम और भी, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा कुछ नया लेकर आती हूँ, और ये एक हटकर स्टोरी है, और वो नया को तभी न्याय मिलेगी जब आप सब अपने परिवार के साथ उस फिल्म को देखेंगे और फिल्म के साथ हमारी स्टोरी को समझेंगे। आगे हमारे डायरेक्टर बताएंगे। स्टोरी से रिलेटेड तो निधि जी ने बताया ही आपको, तो स्टोरी फिर रिपीट करने का मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निधि जी का, जिन्होंने, क्योंकि वो जितने भी डिफरेंट स्टोरी होती है तो मना नहीं करती है, और जब मैंने अपना स्टोरी लेके इनके पास गया तो इन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, और शाबाशी भी दी कि हम प्रोड्यूसर को भी और मुझे भी, कि हाँ हम इतने एक मुद्दा लेके आ रहे हैं। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यहाँ के विधायक साहब जी का, जो हमें एक मजबूती मिला है इनके बातों से, कि सब्सिडी को लेकर के और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट स्तर से लेके इनके स्तर से लेके हमें सपोर्ट मिल रहा है। एक ज़रूर मैं एक बात कहूँगा जो हमेशा उठता है भोजपुरी के बारे में, कि एक बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं कटे हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप पिछले 2-3 साल पहले जा कर के और अभी के फिल्म जो बन रही फिल्में हैं उन पर आप नज़र दीजिए, तो कुछ ना कुछ अलग बन रहा है। हम भी अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हमारे जैसे और भी लोग हैं भोजपुरी में बैठे हुए जो सिनेमा की दशा को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को मानते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सा निचले स्तर पर देख के और इसे कटते हैं, जुड़े, हम निराश नहीं करेंगे। बस मैं इतना ही करना चाहूँगा। ये फिल्म कितने दिनों बन के तैयार हुई? ये फिल्म हम यहाँ इस अगले महीने तक शूटिंग करेंगे, और 1-1.5 महीने हमारा पोस्ट का काम चलेगा। यहाँ शूट करेंगे। कहाँ चलेगा? हम, हमारी फिल्म पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ ओवरसीज भी जाता है, कुछ आउट ऑफ इंडिया के कंट्रीज भी है जहाँ हमारी फिल्में दिखाई जाती है। मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जैसा कि ये फिल्म जो है विमेन ओरिएंटेड है, हमारे विधायक जी आए हैं, इन्होंने बहन कहा है, ऑब्वियसली मेरे लिए बड़े भाई हैं, जब भाई का सपोर्ट है बहन के लिए तो बहन को कोई डर नहीं। वैसे ही आप सब भी देखें, यहीं से एक सपोर्ट शुरू हो गया, यहीं से एक मैसेज शुरू हो गया कि जब भाई बहन को सपोर्ट कर सकते हैं तो आप सब अपने परिवार, जो लड़कियां पीड़ित हैं उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते, उन्हें आगे बढ़ने के लिए क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते। तो आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि इस चीज़ में शर्माइए मत। ये आपकी लड़कियों ने गलत नहीं किया, जो गलत किए हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए, तो उन्हें सज़ा दिलाने के लिए आप लड़िए, आगे तक लड़िए, क्योंकि आपकी बेटी जिस दर्द से गुजरी है वो दर्द कोई नहीं समझ सकता है। आगे हमारे प्रोड्यूसर कुछ कहना चाहेंगे। ऐसा कि आज भदोही जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरी पट्टी के राघव आश्रम पे हमारे यहाँ के जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति
व्यक्ति हैं, इनका नाम है सुधीर तिवारी जी। इनके डायरेक्शन में एक भोजपुरी फिल्म कालिख के मुहूर्त पे आज यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ हूँ। और निश्चित रूप से मैंने देखा, संदर्भ देखा, फिल्म की जो कहानी है वो पारिवारिक सामाजिक बहुत ही अच्छी कहानी है। और निश्चित रूप से आज यहाँ पे इस गांव में जो हमारे बॉम्बे से चल करके, अन्य बिहार से चल करके, अन्य जनपदों से चल करके जो हमारे यहाँ पे ये फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, उसमें श्री राधा राकेश मिश्रा जी, निर्देशक रंजीत पटेल जी, और मुख्य कलाकार के रूप में आप लोग देख रहे हैं हमारे बगल में बैठी हैं हमारी बहन निधि झा जी, कुणाल सिंह जी, यश मिश्रा जी, अरविंद अकेला जी, कल्लू जी, बीना पांडे जी, कमलाकांत मिश्रा जी, लाडो मलेशिया एवं अन्य सभी कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं, एवं जो छायांकन का कार्य करेंगे नागेंद्र जी और सुधीर तिवारी जी। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से एवं अपनी भदोही विधानसभा भदोही जनपद की तरफ से इन सभी कलाकारों का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं कि हमारे इस विधानसभा में, हमारे जनपद में मैं लगभग आज ये पाँचवीं छठवीं फिल्म का मुहूर्त कर रहा हूँ। लगभग 4-5 वर्षों से मैं भोजपुरी फिल्मों के मुहूर्त में मुझे बुलाया गया। हमारे यहाँ के और तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ पे हैं हमारे भदोही जनपद के लोग, जिन्होंने कई फिल्मों भी बनाने का, कई लोगों ने कई फिल्म बनाने का काम किया है। उसमें अभी बीच में जो दादा का काम निभाते थे, बिहार के ही थे, कोई सिंह कैम जो मर गए, अभी उनका देहांत, कोरोना पीरियड में उनका देहांत हो गया, सरसा पे उनका नाम है, तो वो बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम करते थे। तो ऐसे कई फिल्म मैंने, हाँ, सुशांत सिंह, तो कई फिल्मों का हमने मुहूर्त भी किया और उन फिल्मों को मैं भदोही में रिलीज भी करने का काम किया। और निश्चित रूप से हम अपने कलाकारों को आश्वस्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज हमारी सरकार, हम लोगों ने भोजपुरी फिल्मों पे या जो हमारे फिल्म जगत से जुटे हुए लोग हैं उनके प्रोत्साहन के लिए हम तमाम योजनाएं चला रहे हैं। और जैसा कि हम फिल्म की जो लागत होती है उसमें हम सब्सिडी भी देने का काम करते हैं, तो ईमानदारी निष्ठा से अगर काम किया जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा इससे एक समाज को एक प्रेरणा मिलती है, उसके साथ साथ समाज में एक नई दिशा, भावना और आज के युग में अच्छी अच्छी बातों को सीखने का एक अवसर ये फिल्म के माध्यम से प्राप्त होता है। मैं इन डायरेक्टर महोदय को और ये सभी कलाकारों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म जब बन करके तैयार हो जाए तो आप मुझे सूचित करिएगा, मैं रिलीज भी करूँगा और आपको फिल्म की जो लागत है उसको भी दिलवाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का और सभी को मेरा प्रणाम है। आप सभी का सपोर्ट चाहिए और उसकी अपेक्षा रखते हैं। दूसरा धन्यवाद करूंगा हमारे रविंद्र त्रिपाठी विधायक जी का, जिन्होंने यहां आकर के हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है। निधि जी, रंजीत जी, सभी का धन्यवाद है। कहानी के बारे में निधि जी ने भी बताया है, रंजीत जी ने भी आप लोगों को बताया है। कहानी अच्छे मुद्दे पे है। एक लड़की न्यायालय से न्याय पाने के बाद भी समाज से जूझती रहती है कि उसे कब समाज से न्याय मिलेगा। तो हम लोग वही चीज़ दर्शाना चाहते हैं कि आखिर अगर हमें सरकार न्याय दे देती है, जज न्यायालय मंडल से हमें अगर हमें जज मिल गया है, तो ये समाज क्यों हे की दृष्टि से लड़कियों को देखता है। लड़कियां, अगर लड़का गलत करता है तो इसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है। सज़ा अगर बच्चों को मिली है, लड़कों ने गलती की, सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, न कि लड़कियों को। हमारा मकसद यही है कि इस तरह के जो भी केसेस अगर हमारे देश में हुए हैं, उम्मीद करूंगा कि आगे ना हो, लोगों से प्रार्थना है सब अपनी बहन बेटियों की निगाह से देखें, तो जो भी पीड़ित लड़कियां हैं उन्हें न्याय मिले समाज से। सरकार ने न्याय दे दिया, सभी ने न्याय दे दिया, हम चाहते हैं कि समाज से उस लड़की को न्याय मिले, वो अपनी ज़िंदगी आगे शुरुआत कर सके, लड़ सके। बस यही हमारा
मुद्दा है और यही हमारा मकसद है। आपकी फिल्म में जो लोग रोल कर रहे हैं उनका कुछ नाम बताइए। जी देखिए, मुख्य रूप से महिला प्रधान फिल्म है जिसमें कि निधि जी मुख्य लीड रोल कर रही हैं, इनका उसमें किरदार है। और दूसरे कुणाल जी हैं, लाडो मधेसिया जी हैं, फिर अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, यश मिश्रा जी हैं, देव सिंह जी हैं, आके अन्य कई कलाकार हैं जो इंडस्ट्री से माने जाने कलाकार हैं। सभी का सपोर्ट मिला है और सब और यहाँ से जो हमारे आसपास के जनपद से जो लोग बिलोंग करते हैं उनसे भी काफ़ी लोगों से हम लोगों ने इसमें मौका दिया है और वो भी कर रहे हैं। जैसे अमित पाठक जी हैं, लवी सिंह जी हैं, बीना पांडे जी हैं, मतलब काफ़ी कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने जिनको हमने यहाँ से भी इसमें मौका दिया है और हम चाहते हैं उनका भी उज्जवल भविष्य हो और आगे चल करके वो भी अपना एक मुकाम हासिल कर सके। धन्यवाद। लड्डू भैया, एक नई फिल्म की शुरुआत हुई भदोही के ग्रामीण अंचल में, क्या कहना चाहेंगे आज? कहना यही है कि सबसे पहले आप मीडिया वालों को और आपको प्रणाम। और इस भदोही ज़िले में शूट आज पहला दिन हम लोग का है और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें डायरेक्टर हमारे रंजीत भैया जी हैं और लीड करेक्टर हीरोइन का जो निधि झा जी कर रहे हैं और मैं एज अ लीड रोल कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या इसमें आपके कोई स्टार कौन है और क्या किरदार कर रहे हैं आप? मैं एज अ लीड रोल कर रहा हूँ इसमें और कुणाल भैया भी हैं इसमें और निधि झा जी भी हैं। हाँ, अब देखिए, अब शुरुआत आज फर्स्ट डे है, अब आगे बढ़े फिर कैसे कैसे काम होता है। आप और निधि जी पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं साथ? हाँ, मैं निधि जी के साथ पहली बार शेयर कर रहा हूँ। कैसे ट्यूनिंग रहने वाली है? अब देखिए, अभी तो आज फर्स्ट डे है बट भाई ट्यूनिंग अच्छा ही होगा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होगा। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए, फिल्म की मेकिंग की बात की जाए तो कैसे होने वाली, क्या कहने वाले हैं? देखिए, ये जो फिल्म है एक जो नहीं रिपीट्स जो होता है उसके आधार पे है और बहुत अच्छा है ये फिल्म, मतलब एक सुझाव जाएगा ये फिल्म। ठीक, कालिक ये जो फिल्म है सुझाव जाएगा, एक संदेश जाएगा लोगों को, जैसे कि महिला प्रधान। हाँ, महिला प्रधान फिल्म है कि मतलब कि समाज में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ लोग उनका शोषण करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, फिर भी एक नारी शक्ति को लेकर ये फिल्म बन रही है। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसके अलावा कौन कौन आप सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं? तो छठ में ढेर सारे आपके गाने आए। जी जी जी, बहुत सारे गाने और अभी तो गाने बहुत सारे आ रहे हैं, सारे गामा से और टी सीरीज से भी आ रहा है, टिप्स से भी आ रहा है अभी बहुत सारे। और बहुत ही जल्दी मेरी मूवी आने वाली है माया, अभी पोस्टर उसका फर्स्ट लुक रिलीज़ हुआ है, बहुत ही जल्दी आप लोग के बीच में। उसके बाद फिर माया के बाद मेरा आने वाला मंगल फेरा। मतलब एक यूनिक स्टोरी और यूनिक सब्जेक्ट पे ही लगता है आप फिल्म में काम? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब बिना स्क्रिप्ट पढ़े मैं नहीं काम करता हूँ। और ये डायरेक्टर जी मुझे जब इस कालिक फिल्म के बारे में स्क्रिप्ट सुनाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा स्क्रिप्ट और मैंने पहले ही डन बोल दिया, मैंने कहा कि मेरे तरफ से डन है, मैं इस फिल्म को करूँगा। गानों की बात की जाए तो अभी कौन कौन गाने आपके लेटेस्ट आए हैं या आने वाले हैं? गाने तो अभी इसके पहले देवी गीत आया है और अब लोक गीत आ रहा है। एक अभी गाना आया था कि गोरी तुहार लाल लाल गाल, सारे गामा से, बहुत ही अच्छा रहा गाना और रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है उसका। गाना वो है कि तो हर लाल लाल गाल गोरी करता बवाल, तो हर लाल लाल गाल गोरी करता बवाल, मतलब भोजपुरी में अब जानते ही हैं कि थोड़ा सा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। गाने तो बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं और एक गाना जो मेरा पारिवारिक को लेके संदेश दहेज पे था, वो गाना था कि 10 लाख रुपया है नगद गिनाइल, अरे ऊपर से गो बोलो रोक दियाइल, कि नहीं खाना बनाई वो तो मरबे का, अब भाईल बिया हमर करबे का। ये दहेज पे गाना आया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। अपने फैंस और ऑडियंस फैंस जो भी मेरे ऑडियंस है वो तो भगवान स्वरूप है, उन्हीं के आज बदौलत जो भी है ये लाडो मधेसिया आप लोग के बीच में
और हाथ जोड़ के विनती है, सभी ने निवेदन है, आग्रह है कि ऐसे ही प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिए हमको। और बहुत ही अच्छा अच्छा आप लोग के बीच मैं गाना लाऊंगा, मूवी कर ही रहा हूँ, और आप लोग के बीच जल्दी ही बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी भी आने वाली है। बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा दिल से। लव यू, थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।